Hello everyone and welcome to Achieve IAS. My name is Akash Vijayan और आज इस वीडियो में बात करेंगे कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, वो है आपका इंडो पैसिफिक। अब ये इंडो पैसिफिक एक ऐसी टर्म बन चुकी है जो हम न्यूज़पेपर में, करंट अफेयर्स में ऑलमोस्ट डेली देख सकते हैं, ऑलमोस्ट डेली। ठीक है, इतनी ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस आजकल इंटरनेशनल अफेयर्स में बढ़ चुकी है। ठीक है, एक देश के डोमेस्टिक पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में बढ़ चुकी है। ठीक है, तो मतलब हर जगह जो है इंडो पैसिफिक जो ये टर्म है वो हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आज हम बात करेंगे इंडिया एंड इंडो पैसिफिक के बारे में कि इंडो पैसिफिक है क्या और इंडिया के क्या इंटरेस्ट जो है वो इंडो पैसिफिक में लाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कि आपको पता है कि अब जो पूरी दुनिया का जो फोकस है वो अब यूरो अटलांटिक से हटके अब आपका वो आ चुका है इंडो पैसिफिक की तरफ। ठीक है, तो अब जो पूरी दुनिया की जो इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर है ना, अब उसकी एक आप कह सकते हैं रीपोजिशनिंग हो चुकी है। ठीक है, अब वो यूरो अटलांटिक से हटके कहाँ चुकी है आपकी, इंडो पैसिफिक पे, क्योंकि इंडो पैसिफिक की जो इम्पोर्टेंस है वो हर तरीके से काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट, चाहे वो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस हो, चाहे वो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हो, या फिर आपकी सोशल चेंजेस जो आपके आप IUR में देखते हैं, इंडियन ओशन रीजन में जो देखते हैं, चाहे वो हो। ठीक है, तो इस ये जो आपका इंडो पैसिफिक है ये आपको पता है कि इंडिया को भी अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि इंडिया जो है उसकी जो पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है इंडो पैसिफिक के अगर हम संदर्भ में बात करें तो। क्योंकि आपको पता है कि इंडो पैसिफिक में आपका इंडियन ओशन एक बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, और उसी इंडियन ओशन में जो इंडिया की जो लोकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है। ठीक है, तो आज हम वही बात करेंगे। तो ये आप देख लीजिए मैप में कि इंडो पैसिफिक में मेनली आपके कौन कौन सा एरिया आते हैं, जो आपका एरिया जो सर्कल हो रखा है यही है आपका पूरा इंडो पैसिफिक का पूरा रीजन जिसको इंडिया कंसीडर करता है। ठीक है, इंडिया जो है इस पूरे रीजन को इंडो पैसिफिक का एक पार्ट कंसीडर करता है। ठीक है, आपको पता है कि बहुत सारे देशों की अलग अलग इंटरप्रिटेशन है इंडो पैसिफिक को लेकर, उसके बारे में आपको आके बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या वेरिएशन आती है। ठीक है, लेकिन इंडिया के लिए यही जो है एक इंडो पैसिफिक है। तो अब इंडो पैसिफिक क्या है, इंडो पैसिफिक को पता है जियोपॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट है। ठीक है, एशिया पैसिफिक के नाम से पहले इसको बोला जाता था, लेकिन अब क्या है इंडो पैसिफिक को कर दिया गया है। रशिया को स्पेशली प्रॉब्लम है अगर कोई इस एरिया को इंडो पैसिफिक बोलता है तो। रशिया तो हमेशा से यही कहता रहता है कि इसको इंडो पैसिफिक ना बोले, इसको बोले एशिया पैसिफिक। ठीक है, चाइना को भी प्रॉब्लम रहती है इस बात से हमेशा। ठीक है, तो अब ये आपका इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन नाम से पता लग रहा है इंडो पैसिफिक। तो इंडो मतलब इंडियन एंड पैसिफिक मतलब इंडियन, और इंडियन और पैसिफिक ओशन का एक इंटीग्रेटेड थिएटर है ये। ठीक है, और एक बात जरूर याद रखनी कि इंडो पैसिफिक में सिर्फ आपके ये ओशन वाला जो एरिया है ना, ये मैरीटाइम वाला एरिया ही नहीं आता, इसमें जो आपकी लैंड मास है इस एरिया में उसको भी हम इसमें गिनते हैं। ठीक है, तो मतलब बहुत सारे कभी कभार कन्फ्यूजन हो जाती है लोगों को कि इंडो पैसिफिक में वो लोग सिर्फ हमेशा वाटर बॉडीज की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो लैंड मास भी जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, लैंड मास का ही मोस्टली आप कह सकते हैं रोल है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक डोमेन में दोनों में ही इंडो पैसिफिक की जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक, तो अब जियोग्राफिकल इंटरप्रिटेशन की बात करें जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था अभी। ठीक है, तो अगर हम अमेरिका की बात करें, US की बात करें, तो उनका क्या इंटरप्रिटेशन है, वो लोग इंडो पैसिफिक को बताते हैं कि जो अमेरिका जो वेस्टर्न शोर है, जो अमेरिका की वेस्टर्न शोर पे आपको पैसिफिक ओशन है, वहाँ से स्टार्ट होके जो सब कॉन्टिनेंट आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट वहाँ तक जो इंडो पैसिफिक लाई करता है। लेकिन अगर हम इंडिया और जापान की बात करें तो उनके लिए इंडो पैसिफिक थोड़ा और आगे जाता है आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की तरफ तक। ठीक है, जहाँ पे आपका मोजाम्बिक चैनल है वहाँ तक। ठीक है, तो मतलब अमेरिका ने सिर्फ इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक ही कन्फाइंड रखा, लेकिन इंडिया और जापान ने इसको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट तक इसको एक्सटेंड कर रखा है अपने इंडो पैसिफिक के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, और मेजर स्टेक होल्डर से बात करें तो इसमें आपका इंडिया ऑस्ट्रेलिया USA जापान एंड आपका एशियान के जो आपके मेंबर स्टेट्स हैं। ठीक है, तो मतलब ये जो है इसमें आपके मेजर स्टेक होल्डर्स हैं। और इंडो पैसिफिक को पता है कि बहुत सारे देशों की आपकी ओवरसीज टेरिटरी भी लाई करती है। ठीक है, अगर हम बात करें तो फ्रांस का आपको पता है कि कैलेडोनिया आपको पता है फ्रांस का पार्ट है, देन आपका फ्रेंच टेरिटरी पोलिनेशिया, और आपको पता है कि रीयूनियन आइलैंड जो आपके इंडियन ओशन में,
ठीक है, और आपको बताया कि अंडमान निकोबार भी काफी ज्यादा एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर लाई करता है इसमें इंडो पैसिफिक में, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास काफी ज्यादा एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन है हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड की, ठीक है। तो अब डॉक्यूमेंट्स की मतलब कैसे कैसे इंडो पैसिफिक का ये आइडिया, ये शेपिंग इसकी कैसे कैसे हुई, तो 2013 में इसकी स्टार्टिंग हुई जिसने की ऑस्ट्रेलिया ने, ऑस्ट्रेलिया ने जो है अपना एक डिफेंस पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने इंडो पैसिफिक पे काफी ज्यादा एम्फोसिस की, और मतलब एशिया पैसिफिक को और इंडियन ओशन रिम को उन्होंने मर्ज करके एक इंडो पैसिफिक का एक कॉन्सेप्ट निकाल के दिया, ठीक। फिर आपका चाइना, देन चाइना ने आपको पता है कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव में इसके बारे में बात की, एंड इंडिया ने भी फिर अपनी एक मैरिटाइम सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में इंडो पैसिफिक काफी ज्यादा एक फोकस दिया 2015 में। देन इंडिया और जापान ने एक जॉइंट पेपर रिलीज किया। देन जापान ने आपको पता है कि अपनी इंडो पैसिफिक पे स्ट्रेटेजी जो उसकी विजन है उसको रिलीज किया शिंजो अबे के अंडर, ठीक है। देन यूएस ने अपना जो उसका यूएस पैसिफिक कमांड था उसका नाम बदल के क्या कर दिया, इंडो पैसिफिक कमांड, ठीक है। तो मतलब ये भी दिखाता है कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है इंडो पैसिफिक की अब हर देश में बढ़ती जा रही है, ठीक है। और फिर आपका जो आपका शंगरीला डायलॉग हुआ था काफी फेमस जो ये डायलॉग था, ठीक है, इसमें जो था इसमें जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इंडो पैसिफिक में जो इंडिया की जो विजन है उसके बारे में अपनी बात रखी, उसके बारे में आगे बात करेंगे कि क्या जो है इंडिया की विजन जो थी शंगरीला डायलॉग के बेसिस पे हम लोग इंडिया की विजन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद आपको बताया कि एशियान के मेंबर्स फ्रांस एंड जर्मनी इन्होंने भी इंडो पैसिफिक से रिलेटेड अपने जो पेपर्स हैं उनको पब्लिश किया 2018 में, प्रेजेंट तक की बात करें तो काफी ज्यादा जो है इंडो पैसिफिक पे बहुत सारे देशों ने अपनी स्ट्रेटेजी अपना पेपर जो है पब्लिश कर दिया है, अपना निकाल दिया है, ठीक है। तो ऐसी क्या बात है कि भाई इंडो पैसिफिक पे इतना ज्यादा फोकस जो है सारी कंट्रीज कर रही है, ठीक है, कुछ तो बात होगी इसमें, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर है आपका, एक आपका हो गया इंपॉर्टेंट सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, कि आपको पता है कि बहुत सारे चौक पॉइंट्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स जो है इंडो पैसिफिक में लाए करते हैं, ठीक है। इन स्ट्रेट्स में, इन चौक पॉइंट्स से बहुत भारी मात्रा में आपको पता है इनका ट्रेड होकर गुजरता है, बहुत भारी मात्रा में, ठीक है। और स्ट्रेटेजिक पोजिशन इतनी ज्यादा है इनकी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजिशन है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो जो इसमें आपके रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं, ठीक है, इस वाले रीजन में, इंडो पैसिफिक के रीजन में वो रिसोर्सेज काफी ज्यादा भारी मात्रा में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका मोजम्बिक चैनल, बाब अल मंदेब और लोमबोक स्ट्रेट, मतलब इतने सारी जो चौक पॉइंट्स ऑफ स्ट्रेट इसमें लाई करते हैं, ठीक है। और आपका सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन मेनली होता है क्या है कि जो डिफरेंट पोर्ट्स के बीच में जो कम्युनिकेशन रूट होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन रूट होता है, उसको हम बोलते हैं सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, SLOC, ठीक है, SLOC। तो ये आपका जो आपके ये मोजम्बिक चैनल है, आपका बैबल मंदिर है, ये सब आपका SLOC ही है, ठीक है। और आपको पता है कि इंडो पैसिफिक से फिर ट्रेड और इकोनॉमी की मैंने बात की, ठीक है, तो 44% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस एरिया इसमें लाई करता है इंडो पैसिफिक के रीजन में आपका, 65% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है, 62% ऑफ द वर्ल्ड GDP। तो देख लीजिए मतलब कितनी भारी मात्रा में जो है इसकी इकोनॉमिक और ट्रेड इंपॉर्टेंस जो है इंडो पैसिफिक की है, ठीक है। और ग्लोबल सप्लाई चेन में काफी ज्यादा रोल प्ले करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो बहुत बहुत भारी मात्रा में यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन, चाहे वो गुड्स एंड सर्विसेज का हो, चाहे वो ट्रेड रिलेटेड चीजों का हो, ठीक है, तो वो इससे होकर गुजरता है। तो इससे ग्लोबल सप्लाई चेन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस ये प्ले करता है। अगर यहाँ पे डिसरप्शन देखी जाएगी तो ग्लोबल सप्लाई चेन में भारी मात्रा में डिसरप्शन देखने को मिलेगी। तो ये आपके वो कम्युनिकेशन जो मैंने आपको बताया, SLOC जो आपके हैं, देख लीजिए आपका स्विस कैनल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़, बाब अल मंदेब, मोजम्बिक चैनल, केप ऑफ गुड होप, मलक्का स्ट्रेट एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। चाइना को और काउंटर करना है तो मलक्का स्ट्रेट पे अपनी पोजीशन को जो है स्ट्रॉन्ग कर लो, चाइना पे बहुत भारी मात्रा में आप लोग इन्फ्लुएंस अपना देखने को मिल सकता है, चाइना पे इफेक्ट बहुत जब बड़ी मात्रा में पड़ेगा। सिंगापुर स्ट्रेट, सुंदर स्ट्रेट एंड लोमबोक स्ट्रेट, आपका ओम्बई एंड वेटर स्ट्रेट, ठीक है। तो अब आपको अब बाकी के फैक्टर्स क्या हैं, एक आपका नॉन ट्रेडिशनल जो सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं उनमें काफी ज्यादा हमें एक राइज देखने को मिल रहा है, वो पायरेसी हो, इलीगल शिपिंग हो, एंड आपका ट्रैफिकिंग हो, टेररिज्म हो, ठीक है। तो इसकी वजह से भी जो है पूरी दुनिया का फोकस जो है इंडो पैसिफिक पे अब आ चुका है, ठीक है। और आपको पता है अमेरिका तो ग्लोबल पुलिस का अपना रोल प्ले करता है, ठीक है, तो वो तो फिर बढ़ चढ़ के अगर ऐसी ऐसी एक्टिविटीज होंगी तो वो तो बढ़ चढ़ के आएगा ही आएगा, ठीक है। और इन जिन एरियाज में अगर ये सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, ठीक
ठीक है, तो उसके पास भी जो आपको नेशन होते हैं उनको पता है उन पर भी कितना ग्रोथ पड़ेगा, तो वो भी जो है जरूर इस पर ध्यान देंगे और ये कॉन्सेप्ट जो है इवॉल्व होता ही जाएगा। ठीक है, और नेचुरल रिसोर्स में आपको बताया था कि नेचुरल रिसोर्स की भरमार देखने को मिलती है हमें। ठीक है, तो इसमें आपके हाइड्रोकार्बन, मिथेन हाइड्रेट, सी बेड मिनरल्स, एयर मिनरल्स, फिशरीज, ये मतलब ये सब बहुत भारी मात्रा में देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक कॉम्पिटिशन भी आपको पता है कि फिर वहाँ के लिटोरल स्टेट्स में चलता रहता है कि ये जोन हमारा है, यहाँ पर हम लोग एक्सप्लोरेशन करेंगे, यहाँ पर हम लोग जो है माइनिंग करेंगे, हम लोग एक्सट्रैक्शन करेंगे, तो इसकी वजह से जो है इंडो पैसिफिक का जो ये इम्पोर्टेंस है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, चाइना फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, चाइना फैक्टर आपको पता है कि चाइना की एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी जो है, ठीक है, जो वो एग्रेसिव असर्टिवनेस जो अपना दिखाता रहता है वो, ठीक है, चाहे वो लद्दाख में दिखाए, ठीक है, लैंड बॉर्डर पर जो दिखाए, चाहे वो आपका फिर मैरीटाइम डोमेन में दिखाए। ठीक है, आपको पता है कि साउथ चाइना सी में उसने अपना एक कॉन्सेप्ट दिखा रखा है 9-9 का, देन आपका अब वो अपना बेल्ट रोड इनिशिएटिव से क्या कर रहा है वो, ठीक है, इंडो पैसिफिक में, कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर बाकी सारे देशों को पैसा दे देता है, उनको लोन दे देता है, वहां पे डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद उसकी फिर स्ट्रेटेजी ऐसी होती है कि वो देश जो है उस लोन को रिटर्न नहीं कर पाता। ठीक है, उसके बाद जो है वो उस पर एक डेप्ट ट्रैप में उसको फंसा देता है, जिसके बाद वहाँ की टेरिटरी पे, वहाँ की किसी स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे जो है चाइना अपना कब्जा कर लेता है। चाहे वो आप श्रीलंका का एग्जांपल देख लीजिए, श्रीलंका पे क्या हुआ था कि चाइना ने उसको लोन दिया, चाइना ने उसको लोन दिया, उसके बाद श्रीलंका उसको वापस नहीं कर पाया, जिसके बाद चाइना ने हम्बन टोटा पोर्ट पे 99 ईयर्स के लिए उसको लीज पे ले लिया। ठीक है, देख लीजिए, मतलब ऐसी कुछ स्ट्रेटेजी जो है हर जगह चाइना अपनाता है। ठीक है, उसके बाद चाइना जो है इंटरनेशनल रूल्स एंड कस्टम्स को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, आपको पता है कि अनक्लोज जो है आपका यूएन कन्वेंशन और लो कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी, ठीक है, अनक्लोज, ठीक है, तो इसमें आपको पता है कि इसने एक आर्बिट्रेशन दिया था जिसमें चाइना का जो क्लेम था 9-9 का साउथ चाइना सी में, उसमें अनक्लोज ने उसको इनवैलिड घोषित कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी चाइना ने इसको टोटली डिसरिगार्ड किया, उसकी बात नहीं मानी, उसको इग्नोर किया, और फिर भी अपना क्लेम जो है वो बढ़ाता ही बढ़ाता चला गया। ठीक है, तो ये आपका साउथ चाइना सी, ये आपका 9-9, ठीक है, ये आपका 9-9। ठीक है, आप काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, देख लीजिए, मतलब यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड आते हैं, आपको आपके प्रतास आइलैंड हो, चाहे आपके पार्टली आइलैंड हो, मतलब यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड हैं जिन पर चाइना जो है अपना हिस्टोरिकल क्लेम्स जताता है कि यहाँ पे जो है चाइना के हिस्टोरिकल डायनेस्टीज का रूल था, जिसकी वजह से ये सारे आइलैंड जो है हमारे इंडिया में आते हैं। ठीक है, उसके बाहर भी वो जो है जापान पे भी दिखा है, जापान में आपका सेनकाकू आइलैंड है। ठीक है, मतलब सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, इसके बाहर बाहर भी काफी ज्यादा करके दिखाता है चाइना। ठीक है, तो अब इंडिया के क्या इंटरेस्ट है इंडो पैसिफिक में, ठीक है, पीस एंड सिक्योरिटी ऑब्वियसली। ठीक है, क्या आपको पता है कि इंडिया की पोजिशन जो काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक है तो वहां पे है, तो अगर इंडो पैसिफिक पे कुछ असर पड़ता है तो कहीं ना कहीं वो इंडिया की सिक्योरिटी पे भी असर पड़ेगा, तो इस वजह से इंडिया का जो रोल है वो बढ़ जाता है, इंडिया का इंटरेस्ट जो इंडो पैसिफिक में बढ़ जाता है। और जियो पोलिटिकल एक्सप्रेशन की बात करें, ठीक है, आपको पता है कि इंडो पैसिफिक में आपके बहुत सारे नेशन आते हैं। ठीक है, तो इंडो पैसिफिक में अगर इंडिया अपना इन्फ्लुएंस करेगा, अगर अपने इंटरेस्ट को बराबर तौर से बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो उसकी जो आउटरीच है, जो उसकी अफ्रीकन नेशन चाहे मिडल ईस्ट नेशन चाहे साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है उन पर जो आउटरीच है इंडिया की वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये इंडिया के लिए फॉरेन रिलेशन में काफी ज्यादा डेट्रीमेंटल रोल प्ले करता है। चाइना को काउंटर करना, ओबियसली चाइना तो आपको पता है असर्टिव होता ही जा रहा है। ठीक है, तो चाइना पे जरूर काउंटर करना पड़ेगा, जिससे कि चाइना कोई स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड ना गेन करे रीजन में। ठीक है, और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली, ठीक है, बहुत सारे नेशन आप तो उनमें जरूर हम फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी, ताकि और एक सब देखेंगे ऐसे हम कि जो जितने भी आपके इंडो पैसिफिक में नेशन है उनके साथ अपना एनहेंस्ड कोऑपरेशन करने के बाद। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको पता है, क्लाइमेट चेंज जो है अब हर देश को इफेक्ट करेगा ही करेगा, हर देश पे अपना असर डालेगा ही डालेगा। ठीक है, चाहे वो इंडिया ही क्यों ना हो। ठीक है, तो इसकी वजह से इंडिया जो है काफी ज्यादा कॉशियस है इस बात को लेके। ठीक है, तो वो इन सारे देशों के साथ मिलके एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, और ब्लू इकोनॉमी, जो आपकी ब्लू इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है उसको आगे ले जाने का, उसको फॉरवर्ड ले जाने की कोशिश करेगा। और आपकी अदर इंटरेस्ट की बात करें तो वही आपका मिनरल एक्सप्लोरेशन, इफेक्टिव डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, एंड देन आपका अंडर फिशिंग रिलेटेड आपका। ठीक है, ये आपके इंटरेस्ट की बात होगी। तो अब इंडिया की विजन क्या थी, शंगारीला डायलॉग की बात हुई थी ना, तो शंगारीला डायलॉग पे जो मोदी जी ने बात की कि
ठीक है, उसमें तो आपके जो की एलिमेंट्स थे वो थे आपके फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव रीजन, मतलब फ्री हो, किसी देश का इन्फ्लुएंस ना हो, किसी देश की अगर कोई मूवमेंट हो रही है तो उस पर किसी प्रकार की रोक टोक ना हो, अगर वो लीगल मूवमेंट है तो, ठीक है, इंक्लूसिव हो, सब देशों को बराबर की इंपॉर्टेंस दी जाए, सब देशों के बराबर के अधिकार, ठीक है। और साउथ ईस्ट एशिया का रोल जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा जो है एक्नोलेज कर लिया है इंडिया ने, जिसकी वजह से एशियन मेंबर्स का रोल काफी ज्यादा इन्फ्लुएंटल हो जाता है। देन आपका कॉमन रूल बेस्ड ऑर्डर, मतलब आपको रूल को फॉलो करना है, चाहे अगर अनक्लोज ने चाहे आपकी कोई आर्बिट्रेशन निकाली है, जैसे चाइना ने उसको डिसरिगार्ड कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप इंटरनेशनल रूल्स एंड ऑर्डर्स को फॉलो कीजिए, ठीक है। तो यही जो है सबके हित में होगा, सबके देशों के सॉवरेनिटी का और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का जो है आपको बराबर ध्यान रखना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। और इक्वल एक्सेस टू कॉमन स्पेसेस ऑन सी इन द एयर एज राइट अंडर इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। तो वही बात है कि सब जो है एक दूसरे की इंटेग्रिटी का और इंटरनेशनल लॉ का जो है रिस्पेक्ट करें, ठीक है। तो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अ हैप्पी वर्ल्ड, ठीक है। और पार्टनरशिप्स ऑब्वियसली बिल्ड कीजिए, ऐसा तो ऐसा ट्राई कीजिए कि जो आपके डिफरेंसेस है वो डिस्प्यूट में ना बदले, ठीक है। जो आपके कॉम्पिटिशन है, जैसे कॉम्पिटिशन किस बात का भी था, मैं आपको बता दूं, कॉम्पिटिशन चलता रहता है कि जो यहाँ पे आपकी मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन है, ठीक है, जो रिसोर्सेज, जो एक्सप्लोरेशन एक्सप्लोटेशन है, उसको लेके लिटोरल स्टेट्स में एक कॉम्पिटिशन चल जाता है, ठीक है। तो वो कॉम्पिटिशन जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में ना बदले, ठीक है, उस बात का जरूर ध्यान रखें, डिफरेंस डिस्प्यूट में ना बदले, ठीक है। तो ये जरूर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है लो बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को लेके, ठीक है। तो इंडो पैसिफिक में इंडिया का रोल, अगर हम बात करें इंडो इंडियन ओशन रीजन के बारे में, तो क्या है, ठीक है। तो आपको पता है सिक्योरिटी प्रोवाइडर, आपको पता है कि इंडिया की जो पोजीशन है वो काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक है, काफी ज्यादा अच्छी है, जिसकी वजह से इंडिया का जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर का जो रोल है वो बढ़ जाता है, ठीक है। चाहे वो आपकी आपकी जो इंडियन ओशन रीजन में जो आपके आपके है नेशन, मालदीव, मॉरिशियस, साइशल्स एंड श्रीलंका, ठीक है। इनके साथ आपको पता है कि अब इंडिया के जो रिलेशन है वो काफी ज्यादा अच्छे होते जा रहे हैं। श्रीलंका पे हमें थोड़ा सा डाउट रहता है, क्योंकि इसकी जो पॉलिटिकल विलिंगनेस है वो इतनी नहीं देखने को मिलती, लेकिन मालदीव, मॉरिशियस और साइशल्स के साथ अभी हमारे करंट में रिलेशन काफी ज्यादा अच्छे हैं। फर्स्ट रिस्पॉन्डर ऑब्वियसली, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया इंडियन ओशन रीजन में बहुत स्पेशल जगह पर लोकेटेड है, तो इंडिया की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, ठीक है, और ये मतलब जरूरी भी हो जाता है, ठीक है। तो अगर कोई भी अनइवन सिचुएशन है, कोई भी ओड सिचुएशन है, तो उसको डील करने के लिए इंडिया का रोल सबसे पहले आगे निकल के आता है। अब चाहे आप देख लीजिए ऑपरेशन वनीला आपका हुआ था, ठीक है, मडगास्कर में जब आपका ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजा गया इंडियन नेवी के द्वारा, तो ऑपरेशन वनीला, ठीक है, कितना इम्पोर्टेंट था ये। एंड मिशन सागर, अभी पैंडेमिक के वक्त हमें देखने को मिला, काफी ज्यादा न्यूज में रहा ये मिशन सागर, ठीक है, जिसमें आपके जो स्टेट्स थे, जो आपके मेंबर्स, वो आपके नेशंस थे, उसमें आपकी हेल्प भेजी गई, इनको एड किया गया, इनको मेडिसिन भेजी गई इनके पास, ठीक है। और मतलब काफी ज्यादा एक अच्छा एक ये इंडिया ने स्टेप उठाया था, ठीक है। मालदीव से, मॉरिशस, साइशल्स, मडगास्कर, कॉमरोस, इन सबके पास ये भेजा था, ठीक है। ये आपके पता है आपको आइलैंड नेशन है ये सारे। देन आपका अर्ली वार्निंग एंड वेदर फोरकास्टिंग सर्विसेज, ठीक है, जो आपका यूनेस्को है ना, उसने इंडिया का जो सुनामी वार्निंग सेंटर है, जो इंडिया का सुनामी वार्निंग सेंटर है, उसको यूनेस्को ने रीजनल सुनामी सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे डेजिग्नेट कर रखा है। तो इसकी वजह से जो इंडिया का जो रोल है डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके, वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है इंडियन ओशन रीजन में, ठीक है। एंड डेवलपमेंट असिस्टेंस, आपको पता है कि इंडिया लाइन ऑफ क्रेडिट देता रहता है। अभी कुछ दिनों पहले मालदीव्स का काफी ज्यादा न्यूज में था कि मालदीव्स को इंडिया ने काफी ज्यादा एक असिस्टेंस दी है, उसको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है, इंडिया ने काफी ज्यादा उसको असिस्टेंस दी है। तो ये सब भी जो है इंडिया रोल प्ले करता है, ठीक है। और देन आपका ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट जो है हमारे, उसमें आपको पता है कि साफ्टा इंडिया ने साइन कर रखा है। एंड देन आपका इंडियन इंडिया एशियन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आपका इंडियन जापान CEPA, ठीक है, ये भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेवल स्ट्रेटेजी की बात करें तो MDA, मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इंडिया जो है सर्विलेंस एंड सर्विलेंस करके रखते हैं अपना इंडियन ओशन रीजन में, आपका इंडो पैसिफिक में, जिसकी वजह से जो है एक सिचुएशन एनालिसिस वो हमेशा करता रहता है, ठीक है। और अगर हम इसकी MDA की बात करें तो उसमें आपके तीन पार्ट हैं, आपके IMAC, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर। इसमें क्या होता है कि जो वेरियस सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन आती है, जो इन्फो आता है, जो इंटेल आता है, उसको
साथ में रख के उसका एक एनालिसिस करें स्थिति का, ठीक है। देन आपका IFC IOR मतलब इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर द इंडियन ओशन रीजन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक मैरिटाइम इंफॉर्मेशन हब बनाने की बात की गई है, ठीक है, कि इसमें क्या है कि सारे देश मिलकर एक कोऑपरेशन एक कोहरेंट वे में जो है एक एनालिसिस करें, ठीक है। देन एक्सपेंडिंग मेंटेनिंग इंडिया नेवल प्रेजेंस, ठीक है। मिले आपको पता है कि मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट इंडिया के काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, ठीक है। इन 2017 आपको पता है कि ये सब लॉन्च हुआ था आपका मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट, जिसकी वजह से इंडिया ने अपने शिप्स एंड एयरक्राफ्ट को डिफरेंट लोकेशन में डिप्लॉय किया, ठीक है। और आपको पता है फ्लड हिट मडगास्कर से हमारी बात हुई आपकी ऑपरेशन वनीला की, ठीक है, बात हुई थी ना अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो वैसे जब मोजम्बिक में साइक्लोन आया तो उसमें भी जो है इंडिया ने अपने वहाँ पे इंडियन नेवी की डिप्लॉयमेंट की गई, ठीक है। तो ये हो गया आपका, मतलब ये आपकी इंडियन नेवल प्रेजेंस से बढ़ रही है ना, यानी कि ज्वाइंट एक्सरसाइजेस। आपको पता है कि मालाबार जो आपकी कोर मेंबर्स के बीच में होती है, कोर मेंबर्स के बीच में मालाबार एक्सरसाइज होती है ना, भी कुछ दिनों पहले ही कंक्लूड हुई है ये, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, इंडो पैसिफिक में ही होती है। देन आपकी फ्रांस के साथ एक वरुण एक्सरसाइज जो है इंडिया कंडक्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट है। आपकी पैसेक्स हुई थी कुछ दिनों पहले इंडिया और अमेरिका के बीच में, ठीक है। तो ये भी जो है इंडिया की नेवल प्रेजेंस को काफी ज्यादा बढ़ाता है। उसके बाद आपकी फॉरेन पॉलिसी और इनिशिएटिव की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि जो हमारी MEA है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, में एक सेपरेट डिवीजन बना दिया गया इंडो पैसिफिक डिवीजन को, ठीक है, ठीक है। 2019 में इसको बनाया गया, ठीक है। ये आपका किससे मेनली डील करता है, ये आपका डील करता है इंडिया एशिया रिलेशन से, ईस्ट एशिया समिट, IOR एसोसिएशन, एंड आपका एशिया यूरोप मीटिंग, मेकोंग गंगा, मतलब ये सारे जो आपके इंडो पैसिफिक की जो रीजनल कोऑपरेशन आपके आप कह सकते हैं समिट्स जो है या फिर ग्रुपिंग्स जो है, ये इनसे डीलिंग जो है इंडो पैसिफिक डिवीजन करता है। देन आपका एक अलग से डिवीजन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में आपका इंडियन ओशन रीजन डिवीजन IOR, ठीक है। ये आपके 2016 में बना था, ये प्राइमरली डील करता है आपका मालदीव मॉरिशियस साइशल्स एंड श्रीलंका, ठीक है। और सॉफ्ट पावर इंडिया डेफिनेटली अपनी दिखाता है, मतलब हर देश के साथ जो है इंडिया की सॉफ्ट पावर भी काफी ज्यादा एक अच्छा रोल प्ले करती है। आपका प्रोजेक्ट मौसम आपको पता है कि मॉनसून विंड से रिलेटेड आपका एक प्रोजेक्ट मौसम जो है स्टार्ट किया गया था, जिससे कि कोलेबोरेशन जो है इंडियन ओशन के जितने भी आपके देश है, स्टेट्स हैं, नेशंस हैं, उनके बीच में देखा गया था, और इंडिया ने इसमें काफी ज्यादा अच्छा एक रोल प्ले किया था, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने स्टार्ट किया था, ये याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट मौसम जो है किस मिनिस्ट्री का था, ठीक है, तो ये आपका लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पता ये मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज से हो जाए या फिर इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट से हो जाए, ठीक है। तो आप याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको किया था, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। और इनिशिएटिव आपका IPOI इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, ठीक है। और आपको पता है कि इसमें आपका मेनली 7 पिलर्स पे फोकस करने की बात की गई है, मैरिटाइम सिक्योरिटी, मैरिटाइम इकोलॉजी, ये आपके वो साथ हैं, ठीक है। इसको आप पॉज करके एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अगर आप अपने आंसर्स को बेटर तरीके से लिखना चाहते हैं बिल्कुल डीप में भी, इसका इसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा अच्छा पड़ेगा एक आंसर के ऊपर। देन आपका इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, मतलब इसमें क्या है IONS, इसमें क्या है कि जो आपके लिटोरल स्टेट्स है ना उनके बीच में एक आपको जो आपकी वहां की नेवीज है उनके बीच में कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा। आपका एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, इसमें आपके मेनली 5 पिलर्स की बात, 5 आपके चीजों की बात की गई है, 4 की कॉम्पोनेंट्स के, जैसे डेवलपमेंट कोऑपरेशन प्रोजेक्ट, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, कैपेसिटी एंड स्किल डेवलपमेंट एंड पीपल टू पीपल पार्टनरशिप। ये आपके 4 जो है ये आपके AAGC यानी कि एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर के पार्ट है। और एनवायरमेंटल इनिशिएटिव, जैसे क्लाइमेट चेंज की बात की गई थी ना अभी थोड़ी देर पहले, तो आपका इंडिया का रोल हो गया एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस में, ठीक है, ISA। आपको पता है फ्रांस के साथ स्टार्ट किया था, ठीक है, सोलर पावर को एक बूस्ट देने के लिए, तो ये इंडिया रोल प्ले करता है इसमें इंडियन ओशन रीजन में ISA, इसको मतलब आगे लेके जा रहा है। देन कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। पार्टनरशिप की बात करें, कोड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कोड में आपके 4 देश नाम से पता लग रहा है, कौन कौन से, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड US, ठीक है। तो मतलब ये आपका पता है इनफॉर्मल आपका ये एक ग्रुपिंग है, ठीक है, इसके कोई स्पेसिफाइड विजन या चार्टर नहीं है, ठीक है। तो मेनली जो है रीजनल इश्यू पे आके, ये रीजनल आपके सिक्योरिटी इश्यूज हो गए, इन पे आके डिस्कशन करते हैं, कुछ स्टेप्स लेते हैं, एक इनकी एक्सरसाइज भी होती है, ठीक
ठीक है, और मेनली अभी तो इसको चाइना को भी कर्व करने के लिए काफी ज्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, चाइना तो अभी टोस्ट पे आ चुका है कोर्ट की वजह से। ठीक है, आशियान की बात करें तो एशियन सेंट्रलिटी की बात इंडिया ने कही थी, कब कही थी, शंघाईला डायलॉग। ठीक है, शंघाईला डायलॉग जो है वो इंडिया के विजन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम इंडो पैसिफिक की बात करें तो। ठीक है, उसमें बात की गई थी इसकी, एशियन सेंट्रलिटी की। ठीक है, तो जिसकी वजह से इंडिया और एशियन की कोलेबोरेशन में देखने को मिलती है। रीजनल ग्रुपिंग्स आपको पता है कि कोर्ट से अलग भी कुछ ग्रुपिंग्स है, जैसे आपका बिम्स्टेक या का बिम्स्टेक, ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एंड देन आपका इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, एंड देन मेकोंग गंगा। ठीक है, तो यही सब है, आप जरूर ध्यान दीजिए ना इस पे, रीजनल ग्रुपिंग्स पे भी। ठीक है, और देन आपका मिनीलेटरल्स, मिनीलेटरल्स आपको पता है कि अगर दो तीन देश मिलके एक कुछ स्टार्ट करते हैं तो उसको मिनीलेटरल्स बोला जाता है। ठीक है, तो ठीक है, तो आपका फिर इसमें आपको पता है कि फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया का डायलॉग है, एक मिनीलेटरल है। देन आपका JAI, जैज को बोलते हैं ना, जय। ठीक है, तो आपका जापान, अमेरिका एंड इंडिया। तो अब इंडिया क्या क्या चैलेंज फेस करता है इंडो पैसिफिक में, तो आपको पता है लिमिटेड नेवल कैपेसिटी एंड लैक ऑफ मिलिट्री बेसिस। ठीक है, इंडिया के मिलिट्री बेसिस फॉरन सोइल पे इतने है नहीं। ठीक है, तो एक ही हो गया। और आपको पता है कि जो इंडिया का मिलिट्री बजट है ना, उसमें 50% जो है नेवी का एलोकेट किया जाता है, जिसकी वजह से इंडिया की मिलिट्री, इसकी नेवी, नेवल प्रेजेंस जो है इंडो पैसिफिक में इतनी देखने को नहीं मिलती, उसको कहीं ना कहीं बढ़ाने की जरूरत है। ट्रेड में चैलेंजेस आपको पता है, ट्रेड टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स जो आपके मेंबर स्टेट्स हैं इंडो पैसिफिक के, ठीक है, उनमें देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से इंडिया का जो ट्रेड है वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होता रहता है इन देशों के साथ। ठीक है, और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी ये भी है एक प्रॉब्लम है इंडिया के लिए। अगर हम ट्रेड एस्पेक्ट की बात करें तो स्लो पेस ऑफ डेवलपमेंट, आपको पता है जो आपका AAGC है ना, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, उसमें भी डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिली है। ठीक है, मतलब बहुत ही ज्यादा कम हमें अभी तक मूवमेंट देखने को मिली है, ये प्रॉब्लम। देन आपका चैलेंजेस टू MDA, आपको पता है मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस जो आपकी थी, ठीक है, और उसमें चैलेंजेस है क्योंकि आपको पता है कि सबमरीन डिप्लॉयमेंट, ग्रे शिपिंग, एंड देन आपका जो आपके जो शिपिंग आपकी जो आइडेंटिटी को हाइड करके की जाती है, ठीक है, उनको ट्रैक करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और आपको पता है डिस अप्रूवल फ्रॉम विद इन, ये क्या रीजन है, आपको पता है कि इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ सपोर्टर ऑफ नॉन अलाइनमेंट। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि इस वजह से, इंडो पैसिफिक की वजह से इंडिया की एंगेजमेंट बाकी देशों के साथ बढ़ रही है, एक अलायंस, आपके अलायंस नहीं मतलब ग्रुपिंग बढ़ रही है, चाहे आपका वो कोड हो चाहे बाकी कोई एंगेजमेंट हो, वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से सारे देश अब ऐसा कह रहे हैं कि इंडिया ने अपना रोल अलग कर दिया है, जो आपका उसका नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी थी उससे जो है इंडिया भटकता जा रहा है। ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है। आपको पता है रशिया ने भी कुछ दिनों पहले तो क्लियरली बोल दिया था कि वेस्टर्न नेशन जो है वो इंडिया को यूज कर रहे हैं इंडो पैसिफिक में अपने इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए। ठीक है, और फ्रूटफुल पार्टनरशिप में काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि हर देश के जो इंडो पैसिफिक में इंटरेस्ट है वो वेरी करते हैं। जैसे अगर हम बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस का जो फोकस इंडो पैसिफिक में वो मेनली वेस्टर्न इंडियन ओशन पे ही रह जाता है, वहीं पे खत्म होता है, उससे आगे वो सोचने की कोशिश नहीं करता। ठीक है, और वैसे ही अगर हम उसकी किसी और देशों की बात करें तो उनका जो इंटरेस्ट है वो इंडो पैसिफिक के किसी एक पर्टिकुलर रीजन तक ही कन्फाइंड रहता है। ठीक है, तो कंक्लूजन में अगर हम बात करें तो कंक्लूजन में यही है कि अगर इंडो पैसिफिक की इंपॉर्टेंस नहीं बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं इंडिया को अपना रोल समझ के, अच्छे से सोच समझ के इंडिया को अपना रोल जो है एक अच्छा, एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से इंडिया को अपनी अप्रोच को रखना चाहिए। ठीक है, एक एंगेजमेंट जो है सारे देशों के साथ करनी चाहिए, और कुछ ऐसा करना जिसकी वजह से ग्लोबल आउटरीच जो है वो बढ़े। ठीक है, एक ग्लोबल रिकॉग्निशन जो है इंडिया के रोल को मिलती मिल जाए, और जितने भी इंडिया के इमीडिएट नेबर्स हैं ना, उनके साथ इंडिया के रिलेशन जो है अच्छे तरीके से आगे बढ़े। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, इंडो पैसिफिक को लेके आपको सब कुछ, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब अचीव IAS एंड जॉइन अस ऑन टेलीग्राम। थैंक यू।